को कथा श्रवण कराने लगे कि जिस समय राजा उत्तानपाद जो थे शिकार खेल करके वापस आए, महलों का फाटक बंद देखा, अचानक उनको सुरची की यानी सुनीति की याद आ जाती है। कुटिया पर पहुंचे और कुटिया पर पहुंच करके आवाज लगाई, सुनीति आवाज को सुनकर के गेट खोलती है। तत्काली सुनीति उठी खुशी हो हरी घास का बिछौना डाली दिया में प्रवेश कन्हैया बारिश होनी थी। उसी समय वही चोर भैंस की रोटी जलपान कराती है। आसन डाला, चोर भैंस की रोटी लेकर पत्तल पर जैसे ही चली है तो आज तो सुनीति के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सोचने लगी कि मेरे पति ने कभी ऐसा भोजन नहीं किया है और मैं उनके सामने इस भोजन को लेकर के गई तो मेरी सारे हाल को पहचान जाएंगे। एकदम से वही जोर घास की रोटी वही पर रख देती है मेरी माता बहनों और अपने पति के पास में आकर के उनके चरणों को दबाने लगी। दबाते दबाते सुनीति के आंसुओं की धारा उत्तानपाद के चरणों पर गिर जाती है। उत्तानपाद बैठ कराते हैं उठ करके, कहा कि सुनीति क्या तुम रो रही हो? सुनीति कहने लगी, मेरी स्वामी आज ये मेरे आंखों में आंसू जो है ये दुख के आंसू नहीं है, आज तो ये खुशी के आंसू है। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आपने दूसरी रानी पानी के बाद यानी मुझको भुला दिया होगा, लेकिन आपको याद आई तो आई तो सही। क्यों मेरी माता ने वो कभी नहीं कहा कि कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि पर फल के लिए यानी श्रम तो सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है और रंग हमको भरना पड़ता है। इस प्रकार से सुनीति की रात्रि व्यतीत हुई और रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद आज किस्मत का पन्ना पलट जाता है। सुनीति उसी रात्रि को गर्भ धारण करती है। सुबह होते ही राजा उत्तानपाद महलों में पहुंचे, सुरची लाल लाल आंखें दिखा करके राजा को डांटने लगी, कहा कि पूरी रात्रि तुम न जाने कहां पर रहे, अरे रात्रि भर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। राजा उत्तानपाद एकदम से कहते हैं कि पागल हो गई हो, पूरी रात्रि तो मैं गेट पर पड़ा रहा, किसी ने गेट नहीं खोला। एकदम से राजा उत्तानपाद की बात वहीं पर शांत हुई और धीरे धीरे मेरी माता बहनों दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है और गर्भ धारण करने के बाद दोनों पत्नियां एक ही पति की दो पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत में अंतर हो गया। कहा कभी ने
कि मिलता नहीं एक पल में। काहे कि दोनों रानियां एक ही पति की हैं, लेकिन ये अंतर हो गया, एक तो महलों में निवास करने लगी और दूसरी झोपड़ी में वास करने लगी। कि मिलता नहीं एक पल में और पल भर में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। लेकिन दोनों की दा